हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा टाइटल देख करके कि इसमें मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। इसमें आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ऑनलाइन से रिटर्न जो ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन सेलिंग जो लोग करते हैं या जिन लोगों ने स्टार्ट की है, और जो रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं उसके लिए मैं आपसे डिटेल में बताना चाहती हूँ कि जो रिटर्न ऑर्डर्स आपको वापस आ जाते हैं, जो ऑर्डर्स उन ऑर्डर्स में कभी कभी तो जो ऑर्डर्स कस्टमर को आपने भेजा है वही ऑर्डर किसी रीज़न से रिटर्न आ जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट आपने भेजा है वो प्रोडक्ट वापस नहीं आता। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। मेरे साथ भी अभी रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है, तो यहाँ साइड में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जैकेट ब्लाउज जो मैंने जिसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है, ब्लैक जैकेट ब्लाउज की एम्ब्रॉयडरी वीडियो भी शेयर की है उषा स्टिच मैजिक मशीन से, वो ब्लाउज का ऑर्डर आया था मुझे ऑनलाइन से। और मैंने सेम टू सेम वही ब्लाउज प्रोवाइड किया कस्टमर को, क्योंकि मैं भी अभी न्यू सेलर हूँ। एज अ न्यू सेलर मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन सेलिंग हो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करे, काफ़ी अच्छा ग्रो हो, इसलिए मैं प्रोडक्ट्स भी अच्छे देती हूँ, वेल स्टिच्ड देती हूँ, जिनके यूट्यूब पर मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के, अगर मैं कुछ नया डिज़ाइन करती हूँ तो। इसलिए मैं अच्छा ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मेरी सेलिंग बढ़े, मेरा ग्रोथ बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े और मेरे बुटीक का और भी अच्छा सा एक नाम हो। इसलिए मैं सेम टू सेम वैसा ही ब्लैक जैकेट ब्लाउज मैंने कस्टमर को प्रोवाइड किया। बट ऐसा कुछ हुआ कि जब वहाँ से इनकेस उसके भी पहले 4-5-6 जैकेट ब्लाउज ऑलरेडी अलग अलग प्लेसेस पे जा चुके थे और एक भी रिटर्न नहीं आया, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था जैकेट ब्लाउज से। सडनली ब्लैक जैकेट ब्लाउज रिटर्न आ गया, तो हमने सोचा चलो ठीक है, कुछ साइज का इशू होगा। पर जब वो ऑर्डर रिटर्न आया, मेरी हैबिट है कि जो रिटर्न ऑर्डर आते हैं उन्हें ओपन करते समय मैं उसे वीडियो शूट कर लेती हूँ, ताकि इन केस अगर उसमें मैंने, जैसा कि यूट्यूब पे भी मैंने भी ऐसा देखा था, इसलिए मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ पार्सल ओपन करते समय। रिटर्न ऑर्डर्स में ही नहीं, जो ऑर्डर हम भी ऑर्डर करते हैं किसी अदर कंपनी का, जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसे भी ओपन करते समय हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि अगर सेम प्रोडक्ट ना रिसीव हो तो वो रिकॉर्डिंग हमारे लिए यूजफुल हो सकती है किसी भी रीज़न से। तो रिटर्न ऑर्डर आया, मैंने भी उसकी रिकॉर्डिंग की, बट जब मैंने ऑर्डर ओपन किया तो उसमें हमारा जैकेट ब्लाउज नहीं था, कोई एक अजीब सा पुराना सा टॉप था, ब्लैक कलर का ही था पर टॉप था। तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए मैं, मुझे बहुत ही अजीब लगा कि कस्टमर ऐसा भी करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो सेलर हैं वो आप पे ट्रस्ट करके आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सेलर को सपोर्ट करना चाहिए, ऑनलाइन सेलिंग को सपोर्ट करना चाहिए। आप ऐसा मिस्टेक करेंगे, आप इस तरह की चीटिंग करेंगे, तो ऑनलाइन सेलिंग में सिर्फ सेलर ही नहीं होता, उसके साथ और भी लोग जुड़े होते हैं जिनका भी लॉस होता है, और एक कस्टमर की वजह से सारे कस्टमर के ऊपर से सेलर्स का जो ट्रस्ट है वो हटने लगता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह का कोई भी इशू आप ना क्रिएट करें, कुछ भी ऐसी चीटिंग ना करें जो भी आप ऑनलाइन सेलिंग में मंगाते हैं। अगर सेलर ने, अगर सप्लायर ने आपको जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आपको भेजा है और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो रिक्वेस्टेड कि उसे रिटर्न ना करें। और अगर रिटर्न कर भी रहे किसी रीज़न से, आप घर पर नहीं हैं, आपने कैश ऑन डिलीवरी ली है और आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, किसी रीज़न से रिटर्न करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ जो प्रोडक्ट आपको भेजा गया है वही प्रोडक्ट आप वापस रिटर्न भेजें। तो ऑनलाइन सेलिंग में रिटर्न ऑर्डर्स में इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। और पहले मैं जब मैं पैकेट करती थी तो उस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, सिर्फ रिटर्न ऑर्डर पे या जो ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहे हैं, जो मैं ओपन कर रही हूँ उसे मैं रिकॉर्ड करती थी। बट
इस तरह के चीटिंग होने के बाद, इस तरह का फ्रॉड होने के बाद, मैंने जब डिलीवरी बॉय आता है, मुझे कोई ऑर्डर रिसीव होता है और डिलीवरी बॉय जब लेने आता है, पिकअप के लिए आता है, उसी टाइम पर मैं ऑर्डर डिस्पैच करती हूँ और उसी टाइम पर वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ और डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करने तक मैं वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखती हूँ, जिससे इन फ्यूचर अगर कभी मुझ पर सप्लायर पर सेलर पर ही ब्लेम आता है कि आपने ही गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, तो इस केस में मुझे वो सपोर्ट होगा कि एक वीडियो है मेरे पास कि मैंने सही प्रोडक्ट भेजा है। और रिटर्न ऑर्डर के ओपन वीडियोस भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, सारे वीडियोस सेपरेटली हर एक प्रोसेस के मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। और इन केस में अब आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ऐसा चीटिंग होता है आपके साथ, तो उसमें आपका लॉस क्या है कि आपका प्रोडक्ट भी गया, प्लस आप सोचेंगे कि आपको रिटर्न, आपकी जो उसमें जो भी आपका उसमें अमाउंट था वो आपको मिला नहीं। तो इस अमाउंट के मिलने के लिए मैं आपको बता दूं, जिस भी मार्केट प्लेस से आपका ऑर्डर रिटर्न आ रहा है, कोई सा भी ऑनलाइन शॉपिंग हो, वहां पर आप टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज करने का मतलब है आप उसमें कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है। जैसा कि मेरे प्रोडक्ट में इशू ये था कि मेरा ना शिपिंग लेबल था उसमें, ना मेरे कंपनी का लोगो था, ना ही मेरा प्रोडक्ट था, ना ही मेरी पैकेजिंग थी, कुछ भी मेरा नहीं था, सिर्फ वो प्रोडक्ट मुझे रिटर्न आ गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कस्टमर ही करे, कभी कभी डिलीवरी बॉय भी ऐसा करते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं अभी तक, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, कि फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे अपना ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर लूँ। तो जब आप टिकट रेस कर देंगे कि आपका ऑर्डर, आपको गलत ऑर्डर मिल गया, आपने जो भेजा था वो चीज़ आपको नहीं मिली है, और ये चीज़ आपके लिए कहीं से भी बेनिफिटेबल नहीं है, ये चीज़ आपके लिए टोटल लॉस है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी गया और आपका अमाउंट भी गया। तो ये टिकट रेस करने के 24 to 48 hours के अंदर ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, आपके जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपका अमाउंट है जो, वो आपको रिटर्न मिल जाता है। मैंने भी टिकट रेस की थी और 24 hours के अंदर ही मुझे मेरे जो उस प्रोडक्ट की जैकेट ब्लाउज का जो कॉस्ट था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिजाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।